गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आपसे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर वन एट्टी इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास थर्ड की डेट है ट्वेंटी सेवन फरवरी मेरी गुल से चली गई है यूनिट नाइन थे ही इज माई ब्रदर पेज नंबर नाइन्टी वन यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नेम फिल करना ठीक है स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों आई एम श्योर यू ऑल हैव रीड द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर आई मुझे आशा है कि आप सभी ने यह स्टोरी पढ़ी होगी एंड हैव एन्जॉय और इसमें बहुत इन्जॉय किया होगा इन द स्टोरी मीना लव हर यंगर ब्रदर अलॉट मीना जो है वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती है वी ऑल लव आर फैमिली वी ऑल लव आर फैमिली हम भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं फर्स्ट पिक्चर है कैन यू ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन इन द फ्रेम गिवन विलो आई एम श्योर यू विल लव डूइंग सो यहाँ पर जो फ्रेम दिया गया है इसके अंदर आपको अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी है आशा की आपसे भी बहुत अच्छा लगेगा ये पिक्चर ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आएगा तो यहाँ पे आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इस फ्रेम के अंदर ठीक है इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में यू मस्ट रीड अबाउट मीना एंड हर ब्रदर गिवन बिलो द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी बट इट इज जस्ट जम्बल अप यहाँ पे कुछ स्टोरी की लाइन्स दी गई हैं बट ये जम्बल्ड है लेटस पुट दी सेंटेंस इन राइट ऑर्डर तो इन सेंटेंस को आपको राइट right ऑर्डर में पुट करना है तो फर्स्ट देखिए क्या है मीना क्लाइम्ड मीना क्लाइम The hill slowly and steadily and was happily तो वो देखिए उसने क्या किया था अपने भाई को अपने कंधे पे लेके वो धीरे धीरे चढ़ रही थी पहाड़ी पे तो इसका जो फर्स्ट लाइन आएगा वो आएगा आपका नहीं ये नहीं आएगा शी लुक्ड एट द मैन इन वंडर उसने आश्चर्य से लोग उस आदमी को देखा शी कैरेट हर ब्रदर ऑन बैक उसने अपने भाई को बैक के पे ले रखा था शी मेट अ मैन हु आस्क्ड हर व्हाई शी वाज कैरिंग व्हाई शी शी वाज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक एंड इफ शी फेल्ट हिज लोड तो एक आदमी मिला उसने उससे पूछा कि तुमने इस लड़की का बोझ क्यों उठा रखा है अपने कंधे पे इफ़ शी फेल्ट हिज लोड और जबकि अगर तुम गिर गई इसके लोड से तो शी शेड लाउड शी शेड लोड सी सैड उसने कहा लोड ऑफकोर्स नॉट बिल्कुल नहीं ही इज़ माई ब्रदर ये क्या है मेरा छोटा भाई है तो ये लाइन उन्होंने कही तो अब देखते हैं सीक्वेंस बनाते हैं इसका पहले में आएगा आपका शी लुक्ड एट शी लुक्ड एट द मैन इन द वंडर फर्स्ट लाइन आपकी आएगी ये वाली लाइन आएगी फर्स्ट ठीक है सेकेंड लाइन आपकी आएगी सॉरी ये नहीं आएगी आपकी लाइन आएगी फर्स्ट सी कैर हर सी कैर हर ब्रदर ऑन हर बैक ठीक है नेक्स्ट आएगी मीना क्लाइम्ड फिर थर्ड आएगी आपकी शी मीट मैन हु आस्क्ड हर

you have read all about the all about word that tells how action take place टेक so too much word have been given below हमने पिछली वर्कशीट में कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिसमें कि हम बता रहे थे कि एक्शन कैसे हो रहा है ठीक है तो उस कुछ वर्ड दिए गए मतलब दो वर्ड दिए गए नीचर ट्राई मेकिंग इंटरेस्टिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड इन वर्ड्स की हेल्प से हमें एक इंटरेस्टिंग एक एक इंटरेस्टिंग क्या बनाना है सेंट फर्स्ट का स्लोली यहां लिख सकते हो आई कैन वॉक स्लोली आई आई कैन वॉक स्लोली लाउडली All laughed loudly. ठीक है students यहाँ पे जो आपको अपनी बर, अपनी work book का one hundred forty one पेज नंबर भी करना है अब देख लेते हैं अवाकुल एक सुझाव भी दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष अठाईस फरवरी को मनाया जाता है इस दिवस ये दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भारतीय वैज्ञानिक चंद्र सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन ने अपनी खोज रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन की थी 28 फरवरी सन uh, 1928 को की थी इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था विज्ञान दिवस के का मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान और वैज्ञानिकों उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है तो चलिए बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर